कृतो वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। निष्कर्म सिद्धि में तृतीय श्लोक के ऊपर विचार है। हो गया था, पूरा हो गया, टीका चलेगी। अच्छा, ये जो ज्ञान है प्रकरणात्मक ग्रंथ, ये वेदांत के उदर में छुपा है। वेदांत विस्तृत है, उसमें जो ज्ञान ज्ञान के रूप से छुपा है, ठीक है। जीव ब्रह्म का एकत्व को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो छुपा है। और ज्ञान का विषय क्या है? वस्तु। वस्तु यहाँ पर ब्रह्म है, नहीं ठीक। और वही ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए, चित्त में अभिव्यक्त हो जाए, तो संसार उस सारी संसार को, बंधन को दूर कर लेता है, ठीक है। तो उसका वर्णन तो बहुत आचार्य ने किया है, व्याकृतम अपि अन्य ही। फिर भी गुरु अनुशिक्षया अहम बक्षे, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ निष्कर्म सिद्धि को, ठीक है। प्रकरण ग्रंथ ज्ञान है, ज्ञायते अनयते ज्ञानम दिया है, नीचे टिप्पणी में दिया है, कहीं कहीं विज्ञान पाठ भी है, है ना। ज्ञानम अच्छा है। टीका है, वेदांतानां उदरेषु अंतस संगूढ़ संचन्नम अशुद्ध बुद्धिर अभिप्रायत्वात्। तो वेदांत है उपनिषद प्रमाण, उसमें तो बहुत है, अंतरंग साधन बहिरंग साधन सब वहाँ पर, उपासना भी है वेदांत में, नहीं उपनिषद में तो ये उपासना भी है। उसके अंदर छुपा है संगूढ़म, गुह धातु आवरण अर्थ में होता है, संचन्नम लेकिन किसकी बुद्धि के अनुसार, शुद्ध बुद्धि वालों के लिए नहीं, अशुद्ध बुद्धि अभिप्रायत्वात्। अशुद्ध बुद्धि वालों के लिए ये ज्ञान का निरूपण नहीं हो पाता है, ठीक है। महावाक्य का तात्पर्य किसमें है, ठीक। अंतरंग साधन बहिरंग साधन कौन है, इसका निरूपण नहीं हो पाता है, इसलिए जो संगूढ़म जो कहा, किस बुद्धि का अभिप्राय से, अशुद्ध बुद्धिर अभिप्रायत्वात्। ऐसा जो ज्ञान है प्रकरण ज्ञान, इसका विषय क्या है, किम विषयम तद ज्ञानम, ये ज्ञान का विषय क्या है, सविशेष ब्रह्म है कि निर्विशेष ब्रह्म है, ठीक है। तो उत्तर क्या दिया था, वस्तुकम हाँ जी बोलो, अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि ठीक तो है, बाद में अशुद्ध बुद्धि भी, हाँ तो भी दिया है वो, अच्छा है फिर पढ़ो पढ़ो, अशुद्ध बुद्धि भी अप्राप्यता, अप्राप्यता वो पाठ ठीक है, वो सही है, ये पुस्तक में ऐसा दिया है, अभिप्रायत दिया, अशुद्ध बुद्धि भी ही अप्राप्यत्व, वो पाठ ठीक है। अशुद्ध बुद्धि वालों के लिए, अशुद्धा बुद्धि यश, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, है ना, विचार करने में असमर्थ है, ऐसे बुद्धि वालों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त नहीं है, ये जो प्रकरणात्मक जो ज्ञान है, हो गया। उसके बाद कह दिया कि वस्तुगम किम विषयम तद ज्ञानम, उस ज्ञान का विषय क्या है, तो उत्तर दे रहे वस्तुगम, क्या दिया, वस्तुगम दिया,
ठीक है। टीका में थोड़ी सी देखो, समस्त द्वैत कल्पना अधिष्ठान भूतात्म तत्व विषयम तत् इत्यर्थ। ज्ञान का ज्ञान से ही लेना है पर, तद मतलब ज्ञानम, और ज्ञान का विषय हो गया समस्त द्वैत कल्पना, द्वैत की कल्पना है ठीक है, जगत की उत्पत्ति हुई है, मैं जीव हूँ, परब्रह्म से भिन्न हूँ, ये जो द्वैत है ठीक है, ईश्वर और जगत में द्वैत, जगत और जीव में द्वैत, ईश्वर जीव में द्वैत, जीव जीव में द्वैत, ये सब द्वैत है नहीं, ये तो कल्पना तो है। कल्पनाओं का कोई अधिष्ठान एक होना चाहिए, और अधिष्ठान भूत जो है वही आत्मा है, वही सत्य है, आत्मा ही सबका अधिष्ठान है। ऐसा जो अधिष्ठान जो आत्म तत्व है उसको विषय करने वाला जो ज्ञान है उसी को यहाँ पर ज्ञान शब्द से लेना है ठीक है। मतलब अधिष्ठान आत्म तत्व को विषय करने वाला ज्ञान। बहुभीर व्याकृतत्व, बहुत लोगों ने इसका तो वर्णन किया है प्रकरण ग्रंथों का, पंचोदशी इत्यादि बहुत सारे भी है, और भी पहले से रहा होगा नहीं। बहुभीर व्याकृतत्वात्, अनेक विद्वानों ने इसका वर्णन किया है, किसका, प्रकरण ग्रंथों का नहीं। तो किमिति त्वया तत्कथ्यते, ये जो प्रकरणात्मक जो ज्ञान है इसका आप क्यों निरूपण कर रहे हैं, समझ में आया ना। मतलब आपको ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता है, प्रकरण ग्रंथ की निष्कर्म सिद्धि, तो इसका उत्तर क्या दिया अंतिम में, गुरु अनुशिक्षया, अनुशिक्षा है गुरु की आज्ञा का पालन है। नीचे दिया देखो, बहुभीर व्याकृतम अपि, बहुत लोगों ने प्रकरण ग्रंथों का निरूपण तो किया है, बहुत लिखे हैं लोगों ने, फिर भी गुरु क्या लिखा है, अनुशिक्षा गुरुवा लिखा है, गुरुवा लिखा है, हाँ वह है जी। सो सही है, गुरु अनुशिक्षा या गुरु हो अनुशिक्षा इति, गुरु अनुशिक्षा आज्ञा है अनुशासन। त्वया ग्रंथ करणीय, तुमको ग्रंथ लिखना है, तुमको ग्रंथ लिखना चाहिए ठीक है नारायण, प्रकरण ग्रंथ का तुमको लिखना चाहिए। ये जो उपदेश है आज्ञा, आज्ञा ले लो, एक अनुशिक्षा मतलब आज्ञा अनुशासन ठीक है, इसी को कहते हैं अनुशासन, अनुशिष्यते अनयति अनुशासन, आज्ञा को कहते हैं अनुशासन है कि नहीं। इसलिए गुरु की आज्ञा रूपी जो अनुशासन है उसका परिपालन करने के लिए, देखो तद आज्ञा परिपालनाय अहम वक्षे इत्यर्थः, ठीक है नारायण, आज्ञा का परिपालन करने के लिए ही मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, ऐसा कहा ठीक है। अनुशिक्षा का क्या अर्थ हुआ, गुरु की आज्ञा का पालन, चतुर्थी है ना, पालनाय, और ऊपर जो दिया है तृतीय है वो गुरु अनुशिक्षया, मतलब उससे प्रेरित होकर के, गुरु की आज्ञा से प्रेरित होकर के मैं लिखने जा रहा हूँ, मतलब अपनी इच्छा से मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, गुरु की इच्छा ही अपनी इच्छा है कि नहीं। वस्तु ग, मूल, हाँ मूल शब्द वस्तु ग है ना, हाँ मतलब क्या, वस्तु नहीं गच्छती थी वस्तु ग, वस्तु को विषय करने वाला है, द्वितीय कर लीजिए, वस्तु गच्छते थी वस्तु ग, वस्तु कौन हो गया, ब्रह्म सत्य, वस्तु से यहाँ पर सत्य, सत्य वस्तु को विषय करने वाला ये ग्रंथ है, उसको कहें वस्तु ग, वस्तु ग का अर्थ क्या हुआ, ग्रंथ हुआ ना, प्रकरण ग्रंथ ज्ञान हो गया ना। और द्वितीय एक वचन क्या बनेगा, वस्तुगम, नपुंसक ना है, इसलिए ज्ञानम का विशेषण है वस्तुगम ठीक है। इसलिए यहाँ पर
हाँ ठीक है, वस्तु को विषय करने वाला। वस्तु का अर्थ क्या हुआ? वस्तु जो ब्रह्म है उसको विषय करने वाला, ये वस्तु का होता है। ठीक है, सामान्यतः सिद्धम विशेषतो अप्रसिद्धम च वस्तु विषयो भवति। 12 नंबर पृष्ठ में चल रहा है ना। जो वस्तु सामान्यतः सिद्ध हो, देखो ग्रंथ का जो विषय है विचारणीय कौन होता है? जो अत्यंत अज्ञात हो उसका विचार नहीं होता है कि नहीं? और असंभव है। अब विशेष रूप से ज्ञात हो गया उसका भी विचार नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं? मतलब सामान्य रूप से ज्ञात हो और विशेष रूप से ज्ञात ना हो, और प्रयोजन वाला भी हो, ये नहीं दिया है, ऊपर भी समझ लो, है ना? जो प्रयोजन वाला हो और जिसका ज्ञान सामान्य रूप से हुआ हो और विशेष रूप से ना हुआ हो, वो होता है विचारणीय, है कि नहीं? ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो सामान्यतः सिद्धम, जो वस्तु सामान्य रूप से सिद्ध है करी को जानते हो नहीं? हाँ, जैसे मान लीजिए सर्प है अथवा चांदी है, सुक्ति में चांदी है, सामान्य रूप से तो भास रहा है कि नहीं? अब विशेष रूप से नहीं भास रहा है कि नहीं? संशय हो रहा है ना आपको? संशय हो रहा है, जिसमें संशय हो रहा है सुक्ति है कि चांदी है कि नहीं? यह करके तो भास रहा है, लेकिन विशेष रूप से भास रहा है क्या? विशेष रूप से भास जाएगा तो उसको यथार्थ ज्ञान कहा जाएगा, नहीं तो भ्रांति ज्ञान कहा जाएगा। विशेष रूप से जो ज्ञान होता है वो तो यथार्थ ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? भ्रांति होगा। विचारणीय संदिग्ध होता है कि नहीं? जो प्रयोजन वाला हो और जो संदिग्ध हो वो होता है विचारणीय। और संदिग्ध कौन होगा? सामान्य रूप से ज्ञात हो और विशेष रूप से ज्ञात ना हो, हो गया कि नहीं? उसका विचार होता है, इस चीज़ को कहते हैं। देखो सामान्य रूप से सिद्ध है और विशेष रूप से सिद्ध नहीं है, अप्रसिद्धम च। ऐसी जो वस्तु है, वस्तु अलग पद है, विषय अलग पद है क्या? हाँ, इसमें जोड़ दिया है, अलग अलग पद है कि नहीं? ऐसी जो वस्तु है वो ग्रंथ का विषय होता है, हो गया कि नहीं? वस्तु विषय भवती, मतलब वही विचारणीय विषय होता है, विषय कहने से विचारणीय विषय, हो गया? तो कौन है यहाँ पर ग्रंथ में? मतलब ब्रह्म, तो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म में कैसा हो रहा है? हाँ, कोई शंका करता है, लेकिन ब्रह्म में सामान्य धर्म है कि विशेष धर्म है? क्यों, ब्रह्म में क्या सामान्य धर्म है? कोई धर्म ही नहीं है ना, उसमें सामान्य रहेगा ना कोई विशेष रहेगा, तो फिर विचार कैसे करोगे? ये तो व्याप्ति हो गई ना, है ना? विचारणीय विषय संदिग्ध होता है, और संदिग्ध कौन होता है? जिसमें सामान्य रूप से धर्म हो ज्ञात हो, विशेष रूप से धर्म का ज्ञात ना हो। इसलिए ब्रह्म तो भाई तुम्हारा कैसा है, वो तो निर्विशेष कहते हो। ब्रह्म तो निस्सामान्यम, उसमें कोई सामान्य धर्म नहीं है, ठीक है? और विशेष धर्म? विशेष धर्म भी नहीं है। ब्रह्म तो निस्सामान्य विशेषम अद्वितीयत्वात्, वो क्योंकि ब्रह्म द्वितीय ना नहीं ना है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए विजातीय भी नहीं होगा और स्वगत भी नहीं होगा। सजा तीनों ने लो, सजातीय विजातीय स्वगत भी नहीं होगा, नहीं, इसलिए कोई धर्म नहीं है। अद्वितीयत्व ये हेतु दे दिया, ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण ब्रह्म निस्सामान्य विशेषम, उसमें कोई सामान्य धर्म भी नहीं है, विशेष धर्म भी नहीं है, हो गया नारायण? ऐसा कह दिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, देवदत्त है, देवदत्त में मनुष्यत्व सामान्य है, आ ब्राह्मणत्व विशेष हो गया कि नहीं? उधर सब विशेष धर्म ना होगा, ब्रह्म में ऐसा तो कुछ नहीं है, है कि नहीं? इसलिए जो है, अतः
कथम तद विषयत्म प्रकरणस्य। इसलिए जो प्रकरण तुम्हारा जो ग्रंथ है निष्कर्म सिद्धि है ना, तद विषयत्म कथम, ऐसे ब्रह्म को विषय करने वाला कैसे होगा? कैसे ब्रह्म को, जो ब्रह्म निसामान्य विशेष हो, जिसमें कोई सामान्य धर्म भी नहीं है, विशेष धर्म भी नहीं है, ऐसे ब्रह्म को विषय करने वाला तुम्हारा ग्रंथ कैसे होगा? मतलब तुम्हारे प्रकरण ग्रंथ का विषय ब्रह्म नहीं होना चाहिए, ये तात्पर्य होगा। ठीक है नारायण। इति आक्षिपति, मतलब इस अभिप्राय से कोई आक्षेप करता है, ये चौथा श्लोक के ऊपर मूल में देखिए, किम विषयम प्रकरणम इति चे, ये प्रकरणात्मक जो ग्रंथ है निष्कर्म सिद्धि, इसका विषय क्या है? किम विषयम, क्या क्या समास होगा विग्रह में? भूमा जी, किम विषयम प्रकरणम, किम विषयम एक ही पद है कि अलग अलग पद है? एक पद है, क्या होगा? कह विषयो यस्य तत्प्रकरणम ग्रंथ किम विषयम, क्योंकि प्रकरण अपुषक है, ग्रंथ तो पुल्लिंग है, यहाँ पर प्रकरण के लिए कहा, इसलिए कह विषयो यस्य तत्प्रकरणम किम विषयम, ये प्रकरण का ग्रंथ क्या, ये प्रकरण का विषय क्या है यदि चेत, तब उत्तर दे रहे हैं, देखो तद उपन्यास, उपन्यास मतलब प्रतिपादन, उसका यहाँ पर प्रतिपादन, तत् कहने से क्या लेंगे, विषय, तस्य उपन्यास यदि तद उपन्यास है ना, समाज कर लो, ठीक है। तस्य उपन्यास मतलब प्रतिपादनम क्रियते, क्रियते का अध्ययन कर लो है ना, प्रतिपादन किया जा रहा है अग्रिम श्लोक ना, इतना भी अध्ययन कर लीजिए, अग्रिम श्लोक के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जा रहा है, हो गया। श्लोक देखिएगा, यत सिद्धाविदमा सिद्धेर यद सिद्धौ न किंचन प्रत्यग धर्मैकनिष्ठस्य याथात्म्यं वक्षते स्फुटम्। वो कहते हैं देखो, यत सिद्धौ इदमा सिद्धि, वो ब्रह्म है, हाँ वो अधिष्ठान जो ब्रह्म है, वही सबको सत्ता दे रहा है, वही सबको प्रकाश दे रहा है कि नहीं? हाँ, ये प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयो प्रमितिस्तथा है ना, यत प्रसिद्धो प्रसिद्ध्यन्ते तत्सिद्धो किम अपेक्षते है ना, जिसकी सत्ता से जिसके प्रकाश से प्रमाण प्रमेय है कि नहीं, प्रमिति सब की सिद्धि हो रही है, उसकी सिद्धि के लिए किसकी अपेक्षा होगी? ये कहाँ पर एक श्लोक है, ये अनुभूति प्रकाश है, ऐसे कोई ग्रंथ है उसमें है ये, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयो प्रमेतिता यत प्रसिद्धो प्रसिद्धन्ति तत्सिद्धो किम अपेक्षते, प्रमाता प्रमेण आदि ये सब इसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, यत सिद्धो जिसकी सिद्धि से, वो ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, वो सम प्रकाश है, वो है ना, उसकी सिद्धि होने पर है कि नहीं, इदम सिद्धो जितने भी इदम पदार्थ है, इदम मतलब दृश्य है कि नहीं, सभी दृश्य की सिद्धि होती है उसका तादात्म्य होने पर, मतलब उस प्रकाश का तादात्म्य जिसके साथ हो जाए इदम वस्तु के साथ, इदम वस्तु का प्रकाश हो जाता है कि नहीं, यही तो कहा ना भी, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतोमय अग्नि, आगे
है क्या है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्व, तमेव भान्तम, उसका भान होने पर, वो आत्मा चित स्वरूप है, उसका भान होने पर वो स्वतः सिद्ध हो। जैसे ऐसा लगा लो, जिसमें मान लो कोई वृत्ति आदि नहीं है, मन का ही भान नहीं हो रहा है, तो आत्मा तो स्वतः सिद्ध है ना। और मान लो एक मन में एक स्फुरण हो गया है कि नहीं, एक सुख उत्पन्न हो गया, सुखाकार वृत्ति होगी, दुखाकार वृत्ति होगी, झड़ से उसका भान हो गया कि नहीं हो गया। वो जो वृत्ति रूपी दृश्य का भान हुआ किससे हुआ, जो स्वतः सिद्ध है उसके कारण हुआ, ऐसे अनुभव करो है कि नहीं। लेकिन जिसमें दृश्य नहीं है उसमें भी आत्मा प्रकाश स्वरूप है, दृश्य होते ही उसका स्फुरण हो जाता है, प्रमाता प्रा, देखो अब क्या हो गया, आप प्रमाता बन गए और क्या है, आप दृष्टा बन गए। एक दृश्य का स्फुरण हो गया तो भेद आ गया, पहले भेद नहीं था, देखो अद्वैत था वो है कि नहीं। एक सुख स्फुरण हो गया तो सुख क्या हुआ, दृश्य हुआ कि दृष्टा हुआ, अब नीचे आ गए ना, अंतकर्ण में आ गए है कि नहीं, अंतकर्ण में आ गए तो अंतकर्ण में विशिष्ट हो गए तो आप प्रमाता हो गए, ज्ञाता हो गए, दृष्टा हो गए, अंतकर्ण को लेकर हुआ। और अपने से भिन्न लगता है दृश्य कौन, सुख जो भी वृत्ति हो, नहीं घटपटा दे जो भी हो, ये कह रहे हैं कि यत सिद्धो इदमा सिद्धि, इदम बोले दृश्य है ना, दृश्यमान पदार्थ की सिद्धि होती है, ठीक है नारायण। यद असिद्धो न किंचन, जिसकी सिद्धि न होने पर किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती है ना। आत्मा यदि सिद्ध न हो, सिद्ध किसका होगा, किसी का, किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती। दृष्टांत है, मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश बंद कर दो, घटपट आदि के बाद कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो बंद नहीं कर सकते। आत्मा तो सम प्रकाश है ना, उसकी सिद्धि तो हमेशा होगी है ना। व्यतिरेक होगा, व्यतिरेक होगा है ना। हाँ, आत्मा जो नहीं है उसके सम अनात्मा के संबंध से किसी का भान नहीं होता है कि नहीं। हाँ, अनात्मा का संबंध से अनात्मा वस्तु की हैं, अनात्मा वस्तु का भान नहीं होता, अनात्मा से अनात्मा का भान नहीं होगा, अनात्मा से अनात्मा का भान नहीं होगा। फिर अनात्मा से अनात्मा का भान हो जाए तो फिर कोई संप्रकाश मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी है कि नहीं। मन से घट का भान होगा कि नहीं, मन से नहीं होगा, मन से नहीं होगा, नहीं होता है। ये आभास, मन में जो, मन जब सच्चा होता है, घटाकार पटाकार जो वृत्ति होती है उसी वृत्ति में चेतन का प्रतिफलन होता है, होता है कि नहीं, है कि नहीं। उसको कहते चिदाभास है कि नहीं, वृत्ति जड़ है। ये साक्षी रूपी संप्रकाश से वृत्ति प्रकाशित होकर के घट का भान करते हैं, घट को प्रकाशित करेगी वृत्ति, इसलिए का आभास है ना घटस्पृत हो गए कि नहीं। आभास से चिदाभास, चिदाभास में भी साक्षी है कि नहीं। वृत्ति में दो अंश रहेगा, रहेगा एक तो प्रतिबिंब अंश रहेगा और एक साक्षी अंश रहेगा, हो गया ना। अतः वृत्ति, वृत्ति प्रतिफलित चिदाभास से घट का स्फुरण हो गया, हो गया घट का स्फुरण, हाँ घटा हा ये भान हुआ। और उसी समय साक्षी से भी होगा, नहीं होगा, होगा है ना। तो आभास जो चिदाभास है वो केवल घट को स्फुरण किया, हाँ एक एक धर्म उत्पन्न किया, आभास से एक धर्म उत्पन्न होता है घट में, उसको कहते हैं ज्ञातता है ना। घट में ज्ञातता धर्म को उत्पन्न किया, किसने किया, आभास ने, उसका काम पूरा हो गया। अब घट कैसा हो गया, अब घट अब विशिष्ट हो गया
जाना गया घट बोलते ना, इसलिए ज्ञातता से विशिष्ट घट हो गया। तो ज्ञातता से विशिष्ट घट ज्ञात घट बोलते ना जिसको, ज्ञात घट मतलब ज्ञातत्व विशिष्ट घट, उसको कहते हैं ज्ञात घट। अब ज्ञात घट को कौन प्रकाशित करेगा? साक्षी है कि नहीं? तो पहले करेगा कि एक साथ करेगा? जिस समय आवाज से घट का स्फुरण हुआ है ना, उसी समय साक्षी प्रकाशित करेगा कि बाद में करेगा? क्या जिस समय चिदाभास के द्वारा घट का स्फुरण हुआ उसी समय है ना, तो घट का और घट का ज्ञान जो है, प्रमाता भी ले लो, ज्ञाता ज्ञान गया नहीं, आप जान रहे हो, आप ज्ञाता हो गए, घट क्या हो गया? ज्ञेय हो गया, घट का ज्ञान है कि नहीं, वृत्ति रूपी ज्ञान, वो ज्ञान हुआ। तो ज्ञाता ज्ञान गया बराबर है कि नहीं? ये तीनों का जो स्फुरण होता है साक्षी से होगा। हाँ, तो एक ही साथ होगा कि बाद में होगा? जिस समय घट का भान हुआ उसी समय घट घट ज्ञान का भान होगा कि बाद में होगा? ज्ञान का हम क्या, हमारा क्या कहना है, जिस समय घट का स्फुरण हो रहा है, घट विषय ले लो है कि नहीं, है ना, एक तो विषय हो गया घट, अरे एक विषय हो गया घट का ज्ञान, समझे कि नहीं? दो हो गए कि नहीं हो गए? ये केवल ज्ञान को छोड़ दो, केवल घट को ले लो। और एक कैसा है, घट के साथ ज्ञान है ना, ज्ञात घट जिसको बोलते हैं ना, विषय जब ज्ञान घट जब ज्ञान का विषय हो जाएगा उस घट को क्या बोलेंगे? ज्ञात घट बोलते हैं उसको, जाना गया घट है कि नहीं? तो चिदाभास से घट का स्फुरण होता है, ये घड़ा है ये बोलते हैं ना, हाँ, उसी में आपको घट का ज्ञान भी हो रहा है कि नहीं? घट ज्ञान मुझे हुआ, घट को मैं जान रहा हूँ कि नहीं? तो ज्ञान का भी स्फुरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका ज्ञान? घट का। तो एक ही साथ होगा कि बाद में होगा? ये कह रहा हूँ, पहले घट का भान होगा उसके बाद घट ज्ञान का भान होगा, विचार कर देख लो। क्या कह रहे हैं, एक ही साथ होगा कि बाद में होगा? क्यों भाई, नहीं समझ में आया? शंका तो समझ में आई? एक साथ होता है, एक साथ होगा, क्यों समझ में कि नहीं? भाई देखो, घटाकार वृत्ति हो गई, घटाकार वृत्ति है ना, ये तो अंतकरण का धर्म हो गया कि नहीं? तो उसी में चेतन का प्रतिबिंब होगा, साक्षी का प्रतिबिंब होगा है ना, उसी वृत्ति में प्रतिबिंब भी है, प्रतिबिंब केवल है कि बिंब भी है? हाँ, वो तो बिंब तो पहले से हो, वृत्ति होने से पहले ही है ना, है कौन बिंब? साक्षी, मतलब साक्षी जो सामान्य चेतन, वो तो वृत्ति होने से पहले है। अब वृत्ति बाद में हो रही है, वृत्ति में प्रतिफलित चेतन बाद में हो रहा है, समझ में कि नहीं? इसका ना एक ही साथ है कि नहीं, है कि नहीं? जिस समय घटाकार वृत्ति हुई उसी समय चेतन तो पहले से है, वृत्ति होने से पहले ही चेतन है। कौन चेतन? सामान्य चेतन, साक्षी चेतन बोलते हो, है कि नहीं? अरे घटाकार वृत्ति है तो उसी समय प्रतिबिंब भी है, तो दोनों है कि नहीं? वृत्ति में दोनों नहीं है? दोनों है लेकिन भान नहीं हो पाता है, प्रतिबिंब से बिंब अलग है, ये भान नहीं हो पाता है, दोनों में तादात्म्य हो रहा है। किस किस में? जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, हाँ, कहाँ पर? दर्पण में कह लो, है कि नहीं? तो दर्पण होने से पहले ही वहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, और दर्पण रख दिया तो उसमें भी प्रतिबिंब, तो दो है कि नहीं? प्रकाश नहीं है, दर्पण में प्रतिबिंब भी है और एक सामान्य प्रकाश भी है। ठीक इसी प्रकार से घटाकार वृत्ति स्थानीय दर्पण है, उसी दर्पण में सामान्य प्रकाश भी है चेतन और विशेष प्रकाश भी, उसको कहते हैं चिदाभास, विशेष प्रकाश को।
तो विशेष चिदाभास प्रकाश से घट का स्फुरन होता है, समझ में कि नहीं, और साक्षी से ज्ञान का होता है ना, घट ज्ञान ज्ञाता और घट भी होगा, घट ज्ञान विषय होगा तो घट भी विषय होगा, नहीं होगा, तीनों होगा कि नहीं होगा, एक ही साथ होता है। क्या जी? हाँ एक साथ होता है, एक ही साथ होगा, वो तो तार्कियों का सिद्धांत है कि घट का बांध पहले होगा फिर ये अनुव्यवसाय ज्ञान बोलते हैं वो लोग, वो तो मन का धर्म कहते हैं वो लोग, कौन तार्की लोग ज्ञान को, मन का नहीं आत्मा का, वो लोग तो आत्मा का धर्म मानते हैं, है कि नहीं, हम लोग आत्मा का धर्म नहीं मानते हैं, है कि नहीं, वृत्ति रूपी ज्ञान को किसका धर्म मानते हैं, मन का अंतकरण का धर्म मानते हैं, समझ में आ गया नहीं, और अनुभव ऐसा जो ज्ञान बोलते हैं वो तो साक्षी का स्वरूप है, वो उत्पन्न नहीं होता है वो ना, वो लोग उत्पन्न मानते हैं ना, इसलिए वो लोग क्रम से बोलते हैं और अनुभव में बैठता नहीं है। अरे भाई जिस समय घट हुआ, घट का भान हुआ, उसमें क्या संशय होता है कि ज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ, घट का ज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ संशय होता है क्या? घट का स्फुरण होने मात्र से ही घट का ज्ञान हो जाता है, फिर एक ही साथ होगा, क्रम से नहीं होगा। आप कहते वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति का वो अलग है, उसका अर्थ है ना, फल व्याप्ति बोलते हैं कि जो फल मतलब चिदाभास को कहते हैं फल, है ना, वृत्ति आरूढ़ जो चैतन्य है ना, उसको कहते हैं फल, चिदाभास को कहते हैं फल, उसका संबंध जिसके साथ होगा है ना, उसको कहते हैं फल व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ संबंध, व्याप्ति को हो है कि नहीं, संबंध को एक ही है, ठीक है। तो जो चिदाभास है उसका संबंध किसके साथ हो रहा है, घट के साथ हो रहा है, तो उसमें क्या आएगी, फल व्याप्यता कहो अथवा फल व्याप्ति कहो, एक ही बात है, व्याप्ति कहे व्याप्यता कहिए, व्याप्ति किसमें है, घट में, इसलिए फल व्याप्तित्व तो आएगा उसमें, अथवा फल व्याप्यत्व तो आएगा किसमें, घट में, और फल व्याप्ति उसमें मानी जाती है जिसमें कोई अतिशय उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो, अतिशय, अतिशय है ना, इसलिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्तम, उसको कहते हैं फल व्याप्ति का लक्षण, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्तम, यही अर्थ होता है, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्तम, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्तम, नहीं बताऊंगा पहले तो लिखे, तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्तम, दीर्घ कर लीजिए है ना, तो वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य, इसको कहते फल चैतन्य बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द है कि नहीं, घाटाकार वृत्ति हुई उसमें प्रति में चैतन्य हुआ है ना, तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, चैतन्य का जो संबंध हुआ मतलब चिदाभास का जो संबंध हुआ किसके साथ, घट के साथ, उसमें एक अतिशय उत्पन्न हो गया, एक धर्म उत्पन्न हो गया, उत्कर्षता आ गई ना किसमें, घट में, तो अतिशयवत कौन हो गया, घट, अतिशयवत्तम घट में रहेगा, तो घट में आ गया फल व्याप्यत्म कहो अथवा फल व्याप्ति कह लो, एक ही अर्थ हो गया, फल व्याप्यत्म आया घट में अथवा फल व्याप्ति आई घट में, व्याप्ति ने संबंध, व्याप्ति व्याप्यत्व एक ही अर्थ हो गया, ठीक है नारायण। तो ये तो जड़ वस्तु में होगा, फल व्याप्यत्व जड़ वस्तु में जो संप्रकाश नहीं है उसमें फल व्याप्यत्व आएगा, धनमय नहीं आया, ठीक है, और उसमें वृत्ति व्याप्यत्व भी है, क्या है, वृत्ति व्याप्यत्व, घटाकार वृत्ति भी तो है उसमें, वृत्ति का संबंध भी तो है, वृत्ति का भी संबंध हुआ और चिदाभास का भी संबंध हुआ, कुछ समझ में आया, कौन, घट में,
वृत्ति का भी संबंध है और क्या है, चिदाभास का तनु है कि नहीं? अरे वृत्ति जाएगी तो उसमें प्रतिमा भी जाएगा, और क्या है, नहीं जाएगा? तो वृत्ति जाकर क्या करेगी, आवरण को भंग करेगी। घटाकार वृत्ति उसमें आवरण को भंग करेगी, और अचिदाभास क्या करेगा, घट का स्फुरण करेगा। घटा हा ये ज्ञान होगा, कोई समय कि नहीं, दोनों चाहिए कि नहीं, आवरण भंग भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, तब तो ज्ञान होगा। दोनों चीज़ें होगी, वृत्ति जाकर ये प्रक्रिया तो है और क्या है। तो घटाकार वृत्ति जाकर के आवरण को भंग करेगी, कुछ समय आवरण है ठीक है, आवरण भंग करने पर, लेकिन घट तो जड़ पदार्थ है, स्वयं प्रकाश तो है ही नहीं, तो घट का स्फुरण फिर कैसे होगा, चिदाभास से होगा, ये सिद्धांत है। फिर दोनों हो गया, वृत्ति व्याप्यत्व तो भी है और क्या है, फल व्याप्यत्व तो भी है। लेकिन ब्रह्म में वृत्ति व्याप्यत्व तो है, फल व्याप्यत्व तो नहीं है। हाँ, फल व्याप्यत्व तो आप लक्षण यही लिखेगा ऊपर, वृत्ति प्रतिफलित चेतन जन अतिशयोत्तम है ना। तो ब्रह्माकार वृत्ति में जो प्रतिमित चेतन होगा है ना, उसको फल चैतन्य कहा जाएगा है ना। उससे कोई ब्रह्म में कोई अतिशय उत्पन्न होगा क्या, क्यों, ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, वो तो प्रकाश स्वरूप है। जो प्रकाश स्वरूप नहीं है उसमें प्रकाश का संबंध होने पर कोई अतिशय होगा। जैसे मान लीजिए सूर्य तो प्रकाश ही है, वो बल्ब लगा देंगे तो थोड़ी अतिशय होगा, उसमें प्रकाश तो पहले से हो, क्यों भाई, घटपटादि में तो ऐसा नहीं है, धन भाई कि नहीं, इसलिए घटपटादि में तो फल व्याप्य तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई अतिशय उत्पन्न होता है। ब्रह्म संप्रकाश होने से उसमें अतिशय उत्पन्न नहीं होता है, सच में ये सिद्धांत है कि नहीं। इसलिए आभास नोपयुज्यते, स्वयं स्फुरण रूपत्वाद नाभास उपयुज्यते। ब्रह्म स्वयं स्फुरण होने से ये चिदाभास जो फल चैतन्य उसका कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई अतिशय नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन वृत्ति व्याप्ति क्यों मानते हो, क्योंकि आवरण का भंग करना है, कोई ना कोई आवरण तो मानना पड़ेगा ना ब्रह्म में। ब्रह्म में तो कोई ना कोई आवरण ना हो तो उसका साक्षात्कार अभी तो हो जाना चाहिए, तो हो नहीं रहा है, इसलिए आवरण एक कल्पित है मानना पड़ेगा। अनुभव हो रहा है ना, अनुभव का तो उपलब्ध नहीं कर सकते, इसलिए वृत्ति व्याप्ति मानते हो ब्रह्म में। इसलिए ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है आवरण भंग करने के लिए, प्रकाश करने के लिए नहीं है वहाँ पर, ठीक है भगवान। तो अनात्म वस्तु में दोनों होती है, फल व्याप्ति भी होती है, वृत्ति व्याप्ति भी होती है। व्याप्ति को व्याप्यत्व को, हाँ शब्द को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, व्याप्ति कहो और क्या कहो, व्याप्यत्व कहो, हो गया। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है कि वृत्ति व्याप्यत्व है, हाँ एक ही है। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति भी है, वृत्ति व्याप्यत्व भी है, और घट में दोनों है नहीं, फल व्याप्ति भी है और वृत्ति व्याप्ति भी, इतना अंतर आएगा नहीं आया। चलो भैया आगे देखो, ये कह रहा है यत सिद्धो इदमा सिद्धिर, यद असिद्धो न किंचन। आत्मा यदि स्वतः सिद्ध न होता, ये अभिप्राय है, आत्मा यदि स्वतः सिद्ध न होए तो किसका भान होगा, न किंचन, किसी का भान नहीं हो सकता है ना। वही है जीव का स्वरूप, वो संप्रकाश जो है ब्रह्मा, वही है यथार्थ, वही जीव का स्वरूप है। ये आगे कहते हैं, प्रत्येक धर्मैक निष्ठस्य यथात्म वक्षते स्फुटम। वो प्रत्येक कहते हैं साक्षी को है ना, और जो अनात्म वस्तु है उसको कहते हैं पराख। अनात्म वस्तु होगी पराख, और आत्म वस्तु होगी प्रत्येक, ये टीका में देंगे। इले प्रतीच मतलब प्रातिकूल्येन प्रातिलोम्येन अंचते प्रकाशय प्रकाशते इति प्रत्यंग, प्रत्यंग होता है, प्रत्यंग शब्द होता है ना, प्रत्यंग शब्द है कि नहीं वहाँ पर लघु में, प्रत्यंग प्रत्यंचो प्रत्यंच ऐसे बनता है लघु में, है ना, प्रत्यंग शब्द है। प्रति उपसर्ग अंचु धातु से बनेगा प्रत्यंग, क्या प्रत्यय, क्वीन, हाँ क्वीन प्रत्यय होने पर बनेगा प्रत्यंच बनता है, प्रत्यंच है।
प्रथम एक वचन में प्रत्यंग गकार हो जाएगा, क्विन प्रत्यय कुहु, ठीक है। वो प्रत्यय वो ही है अधिष्ठान सबका, ऐसा जो आत्मा है ना, प्रतिकार तो क्या हुआ, प्रातिकूल्य हो गया, विपरीत। अनात्मा का स्वभाव से आत्मा का स्वभाव विपरीत होता है। शरीर आदि का धर्म हो गया विकार नहीं, और आत्मा अविकार। शरीर आदि जड़ है, आत्मा चेतन है कि नहीं, वो मिथ्या है ये सत्य, यही है प्रतीकार था। और वो सबको प्रकाशित कर रहा हो, और सबको आधार भी वही दे रहा है, ये सबको सत्ता भी वही दे रहा है, इसलिए कहते धर्म है कि नहीं, धर्म ला आधार अधिष्ठान, ठीक है। और वही क्या है, असाधारण, एक का अर्थ यहाँ पर असाधारण ले लो, ऐसा धर्म और कहीं है क्या, और कहीं है आत्मा में जो धर्म है वो कहीं है क्या, नहीं, इसलिए असाधारण हो गया वो, इसलिए एक का असाधारण, ठीक है नारायण। उसमें है पर्यवसान जिसका, निष्ठा का तो पर्यवसान कहते हैं, और ऐसा जो है ये जीव का स्वरूप है, वो वास्तविक जीव का स्वरूप वही है, वही है जाथात्म्यम, वही स्वरूप है जाथात्म्य जो स्वरूप है, उसको अहम बक्षे, मैं कहूँगा, मतलब कहने जा रहा हूँ स्फुटम, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हो गया ना भगवान। ये तात्पर्य क्या हुआ, जो पहले कह दिया यत सिद्धो इदम असिद्धो, जो ब्रह्म है वही जीव का वास्तविक स्वरूप है, इसलिए जीव ब्रह्म का जो एकत्व है यही प्रकरण ग्रंथ का विषय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरा सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ।